हे दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग डिजिटल। आज की वीडियो में हम AWS के बारे में सीखेंगे कि हम AWS के IAM मैनेजमेंट में, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में यूजर ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं विथ एक्सेस की एंड सीक्रेट की। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। AWS के बारे में अगर आपको नहीं पता, आपको बता दूँ कि AWS एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के लिए काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है और एक ऑन डिमांड स्किल भी है कि अगर आपको AWS मैनेजमेंट करना आता है और अगर आप ये सीख लेते हैं और अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं तो आपके रिज्यूमे की डिमांड बढ़ जाती है। और ये हमारा AWS प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। मैं इसके आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि AWS की जो अदर सर्विसेज हैं, क्योंकि AWS मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करता है, स्टोरेज के लिए, डेटाबेस के लिए, AWS EC2 हो गया, S3 और RDS हो गया, लैम्डा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। रिस्टार्ट करते हैं, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं विथ यूजर ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम अपने यहाँ सर्च करना है हमें, यहाँ से सर्च में IAM सर्च करेंगे आ जाएगा, नहीं तो हमें आना है IAM एंड एक्सेस मैनेजमेंट में। के बाद हम यूजर ग्रुप में यहाँ से अपना क्रिएट ग्रुप कर सकते हैं, या तो हम जब यूजर क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ भी हमें ऑप्शन देगा कि आप यूजर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम ऐड यूजर करेंगे, यहाँ पे हमें यूजर का नाम देना है YT यूजर। यहाँ पे यूजर का नाम देंगे YT यूजर। यहाँ से प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल का एक्सेस भी दे सकते हैं इसको हम, ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है, लेकिन हम इसको अभी के लिए नहीं करेंगे। अगर आप नहीं चाहें तो आप कर सकते हैं और निबार हम इसको करेंगे। परमिशन ऑप्शंस के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। पहला, हम ऐड यूजर ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपने कोई यूजर ग्रुप नहीं क्रिएट किया तो यहाँ से क्रिएट ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से क्रिएट किया होगा तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। क्रिएट ग्रुप करने के लिए आपको क्रिएट ग्रुप करना है, ग्रुप का नेम देना है, यहाँ से परमिशन सेलेक्ट करनी है, ग्रुप का नाम देना है तो YT ग्रुप दे दीजिए या टीम दे दीजिए, कुछ भी, यहाँ से परमिशन सेलेक्ट करने लगा है और ये कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉपी परमिशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक यूजर क्रिएट किया हुआ है तो आप इस यूजर को अगर चेक करेंगे तो इस यूजर की जो भी परमिशन होंगी ये इस नए वाले यूजर में आ जाएंगी। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि अटैच पॉलिसी आप कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए। जैसे आपको पहले आप देना है, जैसे मुझे मान लो इस यूजर को बस S3 का एक्सेस देना है, S3 सर्विस का। मैं यहाँ S3 करूँगा सर्च और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा S3 रिलेटेड सर्च। क्या मैं यहाँ पे Amazon S3 का फुल एक्सेस इसको दे दूँगा, हो गया है वर्जन स्टेटमेंट, यहाँ से मैं इसको चेक कर सकता हूँ और चेक करने के बाद नेक्स्ट कर सकता हूँ। परमिशन में तीन ऑप्शन में से जो भी आप लगे तो आप वो कर सकते हैं। उसे इमीजिएटली क्या बोलते हैं, ये मैंने बताया। और आप क्या होता है कि आप एक यूजर ग्रुप क्रिएट करें और उसको ही चेक करके आप कर रहे हैं, सेट परमिशन कर रहे हैं ऐड ग्रुप करके। तीनों ऑप्शन हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको एक एक्सेस दिया है, Amazon S3 फुल एक्सेस। उसके बाद आप यहाँ से टाइप भी ऐड कर सकते हैं कोई भी, नहीं करना तो वो ऑप्शनल है। अगर हम इसको सिंपली क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देंगे और ये यूजर हमारा क्रिएट हो गया। अब अगर आपको इस यूजर का कनेक्ट करने के लिए अपने पोर्ट से आपको एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए होगी, तो आपको यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे परमिशन दिख जाएगी आपको, ग्रुप दिख जाएगा, अगर आपको कोई ग्रुप क्रिएट करना है यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं आप, टैग दे सकते हैं यहाँ से सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाके, यहाँ से इसके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक वीडियो कि हम रूट यूजर को या IAM यूजर को कैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं साइन। एक्सेस के लिए आपको एक्सेस की क्रिएट कर देना है, एक्सेस पब्लिक की भी आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर देंगे एक क्रिएट की करेंगे, एक यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की करेंगे।
अब यहाँ पे एक्सेस की के लिए भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जो आपको अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि कैसे करना है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा अल्टरनेटिव रिकमेंडेड, सबका अल्टरनेटिव दिखाता है। और सबसे अच्छा होता है कि एप्लीकेशन रनिंग आउटसाइड AWS, इस पर क्लिक करते हैं। और आप अदर भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे नेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी डिस्क्रिप्शन या दे सकते हैं, अगर आपको नहीं देना तो ये ऑप्शनल है, डेट एक्सेस की कर देना है आपको। और यहाँ से आपको एक्सेस एक्सेस की और सीक्रेट की मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से शो पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। तो ऐसे हम करते हैं, यू क्या बोलते हैं, यूजर ग्रुप। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐड IMAP कैसे ऐड करते हैं अपने रूट यूजर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।